नमस्कार नेशन अपडेट डॉट इन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही आतंकी लगातार घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां घाटी में हालत धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पल्लनवाला सेक्टर में LOC के पास एक IED धमाका हुआ, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। यह धमाका उस समय हुआ जब सेना के जवान आर्मी ट्रक में सवार होकर जा रहे थे। इस घटना के तत्काल बाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बल आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों की तलाशी के लिए पूरे इलाके में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। हमले में घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। बता दें कि सीमा पार से पाकिस्तान भारत के सीमावर्ती इलाकों में लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने भारी मात्रा में मोर्टार शेलिंग भी की है। पाकिस्तान की ओर से ग्रामीणों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पाकिस्तान के सीज फायर का जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल nationupdate.in।